अब खबरें विस्तार से। हमीरपुर जिला में नशे का ग्राफ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और कम उम्र के युवा नशे की चपेट में आ रहे हैं। ताजा मामले में वर्षा क्षेत्र के एक कॉलेज के एक छात्र सुनसान जंगल में महंगा नशा करते हुए देखे गए और करीब 5 मिनट के वायरल वीडियो में युवा महंगे नशे के एवज में पैसों की मांग भी करते नजर आए। वायरल वीडियो में साफ लग रहा है कि किस कदर शिक्षा के हब बने हमीरपुर जिला में नशे का मकर जाल पसरा हुआ है। हमीरपुर जिला में नशे का ग्राफ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और कम उम्र के युवा नशे के चपेट में आ रहे हैं। ताजा मामले में बड़सर क्षेत्र के एक कॉलेज के छात्र सुनसान जंगल में महंगा नशा करते हुए देखे गए और करीब 5 मिनट के वायरल वीडियो में युवा महंगे नशे की एप्स में पैसों की मांग भी करते नजर आए हैं। वायरल वीडियो से साफ लग रहा है कि किस कदर शिक्षा के हब बने हमीरपुर जिला में नशे का ग्राफ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और कम उम्र के युवा नशे के चपेट में आ रहे हैं। ताजा मामले में बड़सर क्षेत्र के एक कॉलेज के छात्र सुनसान जंगल में महंगा नशा करते हुए देखे गए हैं और करीब 5 मिनट के वायरल वीडियो में युवा महंगे नशे की एप्स में पैसों की मांग भी करते नजर आए हैं। वायरल वीडियो से साफ लग रहा है कि किस कदर शिक्षा के हब बने हमीरपुर जिला में नशे का मकर जाल पसरा हुआ है। वहीं इस वायरल वीडियो में युवा सिरिंज से इंजेक्शन लगाने के लिए बातें कर रहे हैं तो 1,000 रुपए की मांग भी दूसरे युवा से की जा रही है। इस तरह स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र नशे के गिरफ्त में फंसे हुए हैं। इसका पता इस वीडियो से चल रहा है क्योंकि बेखौफ होकर युवा सुनसान जगह पर खतरनाक नशे का सेवन कर रहे हैं। लोटी दे जो पार मत लोटी देना जल्दी लौट जल्दी अभी ना मैं बोला लौट भाई मेरे करने नहीं है मेरे करने सी ना लौट भाई जो अरे बप्पर पे फिर लगवा परने तू लौट जो ठीक है दे कौन दे तू ठीक है छट मार ये पूछ ले कौन दे अभी पा आऊंगा ना दबा रहे कने हमरा ठीक है फटाफट लौट जो ओ बड़ क्या रुक तू भी अभी वीडियो डिलीट नहीं इस लौट मैं ते बोल साजे करा बाकी डिटेल बाकी ठीक है कुछ इतने में काट सा अरे चकाए तो थई कटी का बूढ़े मैं जो लवाना कने ओए ओए रुपया जेब चकराया रुक तू भी अभी 1,000 रुपया लाया वहां मैं तेरे नठे ने तो फोन हो जाना पर भाई ने पकड़ लेना पकड़ने दे रहा भाई ये सुबर ओए मेरी छड़ी दे तब मुझे रहने दे मैं तेरा अपना बंदा मैं तेरे करने कभी कुछ करने के फोन तू ठीक है काट पहले ओए अभी पहले ठीक है काट उस अरे ओ मेरे समझ ना मैं बंदे दे के दीपू घड़ वही दीपू देना है दीपू करने पहले शमशान का टवर आयो ती खड़वा शमशान का टवर नहीं पहले तू एक काट अरे अभी काट मैं तेरे एक ला रहा पैरा तू मरना है पैरा मत बांध तू वीडियो मत बना अभी अभी बिगड़ेंगे अरे अभी आंदे बिगड़ना है तू है कोई चक्कर नहीं ठीक है काट पहले निकल फिर क्या कर ले कर अभी अरे इंजन कर अपने बंदे ले कितने दिन बाद लग गया जलाने बोले ना आदमी बप्पर तोड़ तू मम्मी दी कसम शमशान घाट ही कसम खाया बता 6 दिन लगे लाने जी तू मरने तू 6 दिन ला 8 दिन ला ठीक है फटाफट पैसे पैसे मैं को लेने ठीक है कट अरे बढ़ के गाल मुका लो ते साइड कर ना एक बार मुझे ला मैं ठीक है मैं तेरे के ला दा था ना यो मत रे अभी मत रे मेरी यार ही टूटेगी अभी बता ठीक है कट अभी यार ही टूटेगी अरे तो इस बीच मैं एक पर हुआ ना कल इके मैं लोहाना अरे बंदे अरे ला माच क्या बंदे अरे तू है माच बंदे अरे अरे बंदे तू है बूढ़े चल छड़ परे मैं तो लाना भी नहीं था पर ठीक है दे अरे अभी 500 रुपया लाओ इस बंदे लाओ तो उसने कर लगा दीपू ने 500 ला तू 5000 ला ठीक है दे अरे तू कुल ना तो मार ले तू अभी सुनो नहीं एक बार वीडियो नहीं बना अभी
वीडियो नहीं बना पाऊंगा। ठीक है छोड़, अभी ठीक है नहीं हां नहीं है ठीक है अभी नहीं है वहां बंदे का ठीक है दीप वाला कर ले ओए गाली का डबी और बंदे तो और सिरा का है देना थी मां जैसे खड़ू डोडू 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 मरना ठीक है पहले। इस बारे में हमीरपुर एसपी अजित सेन का कहना है कि युवाओं का नशा करने वाला वायरल वीडियो की पुलिस पड़ताल कर रही है और पता लगाया जा रहा है कि ये किस कॉलेज के हैं। उन्होंने बताया कि युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए पुलिस हर वक्त नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसने के लिए कार्रवाई करती है। उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस युवाओं के साथ साथ नशे बेचने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई करेगी। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ है जिसको लोग डिस्ट्रीब्यूट सर्कुलेट कर रहे हैं, जिसमें ये क्लेम किया गया है कि कुछ युवा जो है बड़सर एरिया में इसका ये नशा ले रहे हैं कहीं किसी जंगल में। तो उसके ऊपर हम जानकारी कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं कि वो किस जगह का वीडियो है और उसका समय क्या है, वो अभी का है या पुराना है। जैसे ही कुछ हमको इन्फॉर्मेशन होती है तो हम उनसे उसके ऊपर ज़्यादा अगली कार्रवाई करेंगे ताकि हमको पता चले कि ये वीडियो कहाँ से शुरू हुआ और इसके पीछे क्या कारण रहा और कौन इसके लिए मतलब इसको सर्कुलेट करने के अलावा इसमें हम ये देखना ज़्यादा अहम है कि ये किस समय का, इस समय मतलब आज का या कल परसों का, एक दो हफ्ते का या पिछले साल का, कब का वीडियो है। और दूसरा ये देखना ज़रूरी है कि इसमें जो व्यक्ति ये इस तरह का काम, नशा लेने का काम कर रहे हैं, एक तो उनको आइडेंटिफाई कर पाएँ और उनसे अगर कोई हमको कुछ और जानकारी मिले और उनसे हम पूछताछ कर पाएँ, इसकी हम कोशिश करेंगे। रोकथाम के लिए क्या करा है सर नशा सब विभाग? रोकथाम के लिए हम पुलिस केसेस देते ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि हमको ये दिक्कत ज़रूर आ रही है कि हमारे पास जो ड्रग एडिक्ट ऑलरेडी हो चुके हैं उनके उपचार के लिए एडिक्वेट और अप्रोप्रिएट रिहैबिलिटेशन सेंटर उपलब्ध नहीं है हमीरपुर में। तो पॉसिबिलिटीज़ हम एक तरफ जो है इसको डिमांड कम करने, सॉरी सप्लाई कम करने के लिए जो हमारे पास रिलेटिव केसेस हैं उसके ऊपर हमने काफ़ी एक्शन भी लिया है, वो कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे जो अपने पर्सनल फ़ोन नंबर्स हैं, सरकारी फ़ोन नंबर्स हैं, वो फेसबुक और सोशल मीडिया पे भी उपलब्ध हैं। अगर किसी को भी कोई इन्फॉर्मेशन देने की इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है तो वो हमको ज़रूर भेजें। सिर्फ केवल इन बातों को सेंसेशनलाइज करने के बजाय मैं आपकी तरफ से ये अपील ज़रूर करूँगा कि हम भी थोड़े जागरूक सिटीजन बने और हमें अगर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें तो हम उस पर इमीडिएट एक्शन लेंगे। यही मेरी आपकी तरफ से रिक्वेस्ट रहेगी आम जनता से। तो हम ये ज़रूर ट्राई कर रहे हैं कि एक तरफ जहाँ पे जो नशे के तस्कर हैं उनको हम पकड़ें और दूसरी तरफ जहाँ पे कुछ ऐसे बच्चे हैं या युवा हैं जो नशे की लत में पड़ चुके हैं उनको रिहैबिलिटेट करने का कोई एक तरीका निकालें जिसमें हमको आवश्यकता पड़ेगी कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स की और हेल्थ विभाग की। थैंक यू।